बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शाजापुर की तिलहर में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। मुड़िया बैठे गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। दबाव बनाने का प्रयास आज किया जा रहा है। ग्रामीण बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो किसी को वोट नहीं। ग्रामीणों का पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर आरोप है। जबरदस्ती बूथ पर 3 वोट डलवा दिए हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है। उन्होंने कहा कि वे वोट नहीं डालना चाहते, चुनावों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर आरोप लगा है कि जबरदस्ती बूथ पर 3 वोट डलवा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जबरदस्ती 3 वोट डलवाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। वे वोट नहीं डालना चाहते, जो विकास के कार्य हैं वो नहीं हुए, इससे नाराज हैं ग्रामीण। शाजापुर की तिलहर से चुनाव के बहिष्कार की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुड़िया वैश्य गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां ग्रामीण कह रहे हैं जी अनु। हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, इसी जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, मामला क्या है? देखिए, अगर बात करें तो तिलहर विधानसभा का ये मुड़िया बैच से गांव है, जहां पर पोलिंग बूथ है। यहां पर रोड ना होने की वजह से, संपर्क मार्ग ना होने की वजह से ग्रामीण लगातार परेशान थे और इसकी लगातार मांग भी करते आ रहे थे। जब प्रत्याशी यहां पर वोट मांगने के लिए आ रहे थे, तब भी इन्होंने लगातार कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, हम किसी भी हाल में मतदान नहीं करेंगे। लेकिन आज सुबह जबकि ये लोग ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, तो वहां पर बूथ सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो अन्य अधिकारी थे, उन्होंने जबरदस्ती करके 3 लोगों के वोट वहां पर डलवा दिए हैं। इसका भी ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है कि किसी भी हाल में जबरदस्ती करके हमसे वोट नहीं डलवाए जा सकते हैं, और ग्रामीण एकजुट है और किसी भी तरह से वहां पर वोटिंग न करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई भी आला अधिकारी या जिला लेवल पर अगर हम बात करें, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुड़िया वैश्य के गाँव के लोगों ने यह बात कही है, कहा है रोड नहीं तो किसी को वोट नहीं। और एक बड़ी अपडेट, 11 बजे तक सहारनपुर जिले में 25.16% मतदान की खबर आ रही है। 7 सीटों पर मतदान चल रहा है सहारनपुर की। 25% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक सहारनपुर में हो चुका है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सहारनपुर से, 25% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक